की मखलूक हट जा सामने से। मैं अल्लाह का बंदा अलादीन हूँ और ये चिराग लेने आया हूँ। अशरफ उल मखलूकात आदमजाद, मेरे तीन सवाल हैं। अगर तूने सही जवाब दिए तो ये चिराग बुझाकर ले जाना, वरना मैं तेरी जिंदगी का चिराग बुझाकर तेरा सर काट लूंगा। मुझे मंजूर है, पूछ सवाल। पहला सवाल है, वो कौन सी दौलत है जो चुराई नहीं जा सकती और जो खर्च करने से कम नहीं होती बल्कि ज्यादा से ज्यादा होती जाती है? वो दौलत है इल्म। इल्म की दौलत जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इल्म को जितना खर्च करोगे वो दौलत उतनी ही बढ़ती जाएगी। सच कहा तूने। अब दूसरा सवाल है, किस्मत में और आमाल नामे में क्या फर्क है? आमाल यानी अच्छे और बुरे काम में और किस्मत में क्या फर्क है? किस्मत अल्लाह लिखता है और अच्छे या बुरे काम करके आमाल नामा इंसान खुद लिखता है। इसी के हिसाब से उसे सजा या जजा मिलती है। किस्मत बेकसूर है। सही कहा तूने। अब मेरा तीसरा और आखिरी सवाल है, सोच समझ कर जवाब देना वरना तुम्हारा सर कंधों से गायब हो जाएगा। जल्दी पूछ है आतिशी मखलूक। दुनिया में सबसे ज्यादा अजीब बात क्या है जिसका यकीन करते हुए भी इंसान यकीन नहीं करता? वो बात है मौत। हर इंसान जानता है एक दिन उसे जरूर मरना है, लेकिन फिर भी वो दुनिया में ऐसे रहता है जैसे उसे कभी मौत नहीं आएगी। आफरी है ऐ अल्लाह के बंदे अलादीन, जा ले जा चिराग।
शाबाश बेटा अलादीन, तुम आ गए, शाबाश, मैं अभी तुम्हें ऊपर खींचता हूं। और हाँ, तुम वो चिराग वहां से उठाकर लाए हो या नहीं? हाँ, चिराग लाया हूं। हाँ? और हीरे मोती जवाहरात भी लाया हूं। ये देखिए, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बरखुरदार। लो लो वो चिराग मुझे दे दो। लो लाओ वो चिराग मुझे दे दो। दे दूंगा, पहले मुझे तो बाहर निकालो। नहीं, पहले चिराग मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। लो बांधो। इतनी जल्दी भी क्या है चाचा जान? हाँ? मैं ऊपर आऊंगा तो मेरे साथ चिराग भी आएगा। सूरज डूबने से पहले वो चिराग मेरे कब्जे में होना चाहिए, इसीलिए जल्दी कर रहा हूं। चालाक लड़के, चालाकी न कर, चिराग दे दे। चालाक तो आप नजर आ रहे हैं चाचा जान, अचानक आपके बात करने का तरीका ही बदल गया। खामोश, चुपचाप चिराग दे दे, वरना तू अपनी जान से हाथ तो बैठेगा। आप मेरे चचा होकर ऐसी बातें कर रहे हैं? बेवकूफ नादान नौजवान, दौलत तो ऐसी चीज है कि अपने भी पराये हो जाते हैं, फिर मैं तो पराया ही हूं। मैं तुम्हारा चचा नहीं हूं। क्या आप मेरे चचा जान नहीं हैं? नहीं, साहिरे अफ्रीकी हूं मैं, नस्ल से ही जादूगर हूं। मेरे माँ बाप भाई बहन सभी जादूगर हैं। अफ्रीका का खानदानी खौफनाक जादूगर जिंगालू जुंगला हूं मैं। अपने मतलब के लिए तुझे फांस कर यहां लाया हूं। मुझे बचा ले, मुझे ऊपर खींच ले जादूगर। एक ही शर्त है, एक ही सौदा है, कर ले। चिराग दे दे, मैं तुझे ऊपर खींच लूंगा। हाँ। अगर नहीं खींचा तो आजमा कर देख ले। आजमाए हुए को क्या आजमाना। हाँ? तू एक कामयाब जादूगर ही नहीं, एक कामयाब धोखेबाज भी है। तू मुझसे खून के रिश्ते का ढोंग रचाकर मेरे मासूम जज्बात को धोखा देता रहा, उस गरीब बेटे को मेरी दुखिया माँ से अलग कर दिया और इस जहन्नुम के दरवाजे पर लाकर छोड़ दिया। नीचे जहन्नुम की मौत है और ऊपर जिंदगी ही जिंदगी। बोल बोल तुझे क्या चाहिए, वरना अपने जादू से इस गार का मुंह बंद करके चला जाऊंगा। ला ला चिराग दे और जिंदगी ले। नहीं, मुझे डर है तू मुझसे चिराग भी ले लेगा और मुझे मार भी डालेगा। सूरज डूब रहा है, सुन, अब आखिरी तीन बार मैं तुझसे चिराग मांगूंगा और अगर नहीं दिया तो तुझे जिंदा दफन कर दूंगा अपने जादू से इसी गार में। ला ला चिराग दे बरखुरदार। नहीं अलादीन, चिराग दे। नहीं, अब मैं आखिरी बार तुझसे चिराग मांगूंगा, चिराग दे।
मेरे बच्चे को क्यों नहीं आया? अब तो रात भी ज्यादा हो गई है, जरूर वो किसी मुसीबत में फंस गया है। बेटा, ना जाने क्यों तेरे जाने पे मेरा दिल रो रहा था। मेरा दिल कहता था मुझे छोड़ के ना जा, मगर तू चला गया। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, मुझे मेरी जिंदगी चाहिए, नहीं चाहिए कुछ भी। तुमने ठीक कहा था अम्मा, अजनबी इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले तुम्हारी बात नहीं मानी ना, इसलिए मैं तुमसे बिछड़ गया। आए मेरे खुदा, तुझे अपने रसूल का वास्ता, मुझे मेरी अम्मा से मिला दे, मुझे इस जहन्नुम से निकाल दे, मुझे इस जहन्नुम से निकाल दे। या अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, आज दो दिन हो गए, दो दिन हो गए मेरे अल्लाह मेरे बच्चे को मुझसे बिछड़े हुए। मेरे अल्लाह,
तुझे तेरे तमाम अंबिया औलिया का वास्ता, मेरी बेटी की हिफाजत कर। या मोहम्मद, या अली शेरे खुदा, मुश्किल कुशा खुदा के वास्ते, या हुसैन इब्ने अली पहुंचो मदद के वास्ते। मेरे अल्लाह, मुझे मेरे बेटे अलादीन से मिला दे, मेरे बेटे की मदद कर। मेरे अल्लाह, मेरे बेटे की मदद कर। इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस सहराई फकीर बुरहानुद्दीन दरवेश की निशानी, ये अल्लाह के नाम का तावीज लेता जा। जब भी किसी मुश्किल और मुसीबत में फंस जाए, इसे चूमकर अल्लाह को याद करना, मदद के लिए पुकारना और ये कहना, या अल्लाह, अल्लाहुस्समद, मदद कर। समद, मदद कर। या अल्लाह, अल्लाह समद, मदद कर। अलादीन, अम्मा, अम्मा, मेरे बेटा आ गया।
जा रही हूँ। अम्मा, 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 अलादीन, मेरे बेटे, अम्मा, 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 बेटे, क्या हुआ? अम्मा, अम्मा, क्या हुआ मेरे बेटे? अम्मा, क्या हुआ? अम्मा, अरे, अम्मा, 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 क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ मेरे बच्चे को? अरे, अरे जा अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे मेरा बेटा मिल गया। शैतान, मर्दूद, मलाऊन जादूगर को नेस्तो नाबूद करे, उसे दोजख की आग में जलाए। जो कयामत तुझ पर गुजरी है वो सुनकर मेरा दिल अभी तक कांप रहा है और मेरी हर सांस अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। हाँ अम्मा, तुम्हारी और सहराई दरवेश की दुआओं ने मुझे बचा लिया। समझ में नहीं आई बेटे, आखिर वो तुमसे बार बार चराग क्यों मांग रहा था? वो पुराने जमाने की एक निशानी समझकर इस चराग को अपने घर ले जाना चाहता था। हा? और मैं इसे अपनी मुसीबत की निशानी समझकर उठा लाया। अब ये सब बातें बार बार ना पूछो माँ, इन बातों से फिर मुझे अपनी मौत का वक्त याद आ जाता है। मुझे बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ और दो ना अम्मा। और तो कुछ नहीं है बेटा, ठीक है, मैं घरों में काम करने के लिए जा रही हूँ, शाम तक कुछ लेकर आऊंगी। Thank you.
करो अम्मा। क्यों मैं इस मनहूस चिराग को पुराने जमाने की चीजें बेचने वाले नवादर नहामे की दुकान पर बेचाऊं? इस बेकार सी चीज को कौन खरीदेगा? मुझे बेचने की कोशिश तो करने दो अम्मा, शायद इसके दो चार दिरहम मिल जाएं। अच्छा तो जा फिर बेचा। ठीक है। अरे सुन बेटा, बेटा, अरे बेटा, ये चराग तो बहुत मैला है और इसमें जंग भी लगा हुआ है, इसे जरा कपड़े से साफ तो कर दे। तुम ठीक कहती हो अम्मा, मैं इसे घिसकर अभी चमकाता हूँ, फिर शायद दाम भी ज्यादा मिल जाए तो रोटियां भी ज्यादा लेता हूँ। जीना चाहता हूं मगर मौत ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। उस मौत के घार से तो मेरी जान बच गई मगर ऐसा नजर आ रहा है अब मेरी जान नहीं बचेगी, तू मुझे मार डालेगा। वहां तो मरने वाला मैं अकेला था, यहां तो मेरे साथ मेरी मां भी मर जाएगी। मैं इस मनहूस चिराग को वहां से उठाकर क्यों चला आया? क्यों चला आया? ये चिराग मनहूस नहीं, तेरे खुशकिस्मती का चिराग है मेरे आका। मगर तू कौन है? मैं शहंशाह जिन्नात कयामत जिन हूँ। मानिंद गुलाम, तेरी फरमाबरदारी में हाजिर हूँ और हर उस शख्स का गुलाम हूँ जिसके हाथ में ये चिराग होगा। हुक्म दे मेरे आका, मैं तेरा गुलाम हूं आका। गुलाम से मालिक को डरना नहीं चाहिए। तू इतना बड़ा ताकतवर जिन मुझ जैसे कमजोर इंसान का गुलाम कैसे हो सकता है? जिसके पास भी ये चिराग होगा मैं उसी का गुलाम हूं, उसी का हुक्म मानूंगा। मुझे यकीन नहीं आता। तुझे यकीन नहीं आता? तू हुक्म देकर तो देख। क्या हुक्म दूं? कुछ भी हुक्म दे, किसी भी बात का हुक्म दे, किसी भी चीज का हुक्म दे, मैं आनन फानन में हाजिर कर दूंगा। मुझे और मेरी माँ को बहुत भूख लगी है, क्या खाना लेकर आ सकता है तू? क्यों नहीं मेरे आका, और बोल तू क्या चाहता है? कीमती लिबास और दौलत भी चाहिए। सब कुछ लेकर मैं अभी हाजिर होता हूँ मेरे आका। Ha 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 ha
अम्मा डरो नहीं, होश में आओ, होश में आओ अम्मा। वो जन्नतों का शहंशाही जिन इस पुरासर चिराग का ताबेदार जिन है। अब समझ में आया वो जादूगर इस चिराग को बार बार क्यों मांग रहा था। शहंशाह जिनकी आवाज है। चलो आका, मैं सब कुछ लेकर आ गया हूं। आपके हुक्म के मुताबिक लजीज खाने, कीमती लिबास और अशरफियां लेकर आया हूँ। शुक्रिया ऐ शहंशाह जन्नत, शुक्रिया। देखो अम्मा वो हमारे लिए क्या क्या लाया है। पुलाव, जर्दा, कोरमा, मुर्ग मुसल्लम, नान। आओ जल्दी से खाएं। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, ये खाना खाना जायज नहीं है। जायज है अम्मा, ये सब खाना हमारी किस्मत में लिखा था, इसीलिए अल्लाह ने ये सब नेमतें इस शहंशाह जिन्नात के जरिए हमको भेजी है। खाओ वरना अल्लाह नाराज हो जाएगा। बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो अम्मा खाओ। सूदखोर निजाम ये लो 2000 दिनार और मोहतरम मासूम बेग को आजाद करो।
1000 दीनार? कहीं ये नकली तो नहीं है? तुम्हारी तरह नकली नहीं, असली है। ये कीमती लिबास और ये दीनार कहां से चुराए अलादीन मजदूर? कहां से चुराए? अरे मीजान, अब इन्हें अलादीन मजदूर नहीं, हुजूर अलादीन, अमीर अलादीन कहो, अमीर। अरे कैसे कहूँ नूर तलाल, कैसे कहूँ, कारून का खजाना हाथ लगा इसे क्या? बे औलाद चचा का बेशुमार खजाना मिल गया इन्हें। हाँ, उसी चचा ने अपनी तमाम जायदाद और बे इंतहा दौलत दे दी है अलादीन को। अच्छा, खुदा के फजलो करम से उसी चचा की बदौलत ये दौलत मुझे मिली है। जा मासूम बे गुलाम जा, बड़े अफसोस के साथ मैं तुझे आजाद करता हूँ, जा। बेटे अलादीन, तूने अपने बाप का हक अदा किया, अल्लाह तुम्हें सदा खुश रखे। इसमें कई लाख अशरफियां हैं, पहले आप अपने घर के हालात ठीक कीजिए, उसके बाद मजलूम गुलामों को आजाद कराइए, जहां जहां पानी नहीं पानी का इंतजाम करिए, गरीबों के लिए इकामत खाने, भूखों के लिए लंगर खाने, बीमारों के लिए इलाज घर, बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसे और मुसाफिरों के लिए हमाम कारवां सराय बनवाइए, और फिर एक ऐसा कारोबार शुरू कीजिए जहां बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। मेरे बच्चों, या अल्लाह, तू अपने इस नेक बंदे अलादीन को दीनों दुनिया की दौलत से और माला माल कर दे, इसे एक ऐसी शरीके हयात बीवी दे जो खूबसूरत हो और खूबसीरत भी, और इसका घर आबाद हो जाए। सोच रहे हो मेरे आका? आज से तुम मुझे आका नहीं कहोगे। क्यों आका? फिर आका कहा? क्योंकि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मैं गुलामी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। किसी भी इंसान को कोई हक नहीं कि वो अपने मतलब के लिए दूसरे इंसान को गुलाम बनाए और खुद आका बन जाए। इसलिए ना तुम गुलाम हो ना मैं आका हूँ। तो फिर क्या है हम दोनों? दोस्त। दोस्त? रफीक, मुहिब्बे मन है हम दोनों। मुहिब्बे मन? ये बात बहुत पसंद आई मुझे। ऐ मेरे इंसानियत पसंद दोस्त, मैंने देखा है तू सच्चा अल्लाह का बंदा है, गरीबों का हमदर्द, बेसहारों का सहारा है तू। मैं तुझसे बहुत खुश हूं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं तुझ जैसे नेक इंसान का घर आबाद कर दूं। तू कहे तो परिस्तान से कोई हसीन महजबीन परी लाऊं और तेरी शादी कराऊं।
नहीं है? मेरी शादी कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बता मेरे दोस्त। तू खामोश क्यों है? कुछ तो बात है, तू कुछ मुझसे छुपा रहा है। अगर तू नहीं बताएगा तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा। नाराज ना हो मेरे दोस्त। जब तूने मुझे अपना दोस्त कहा है तो अपने इस दोस्त को दोस्ती का हक अदा करने दे। मेरे दोस्त अब बता। वो बात बताने से क्या फायदा जो हो ही नहीं सकती। हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। क्या तुझे किसी से इश्क हो गया है? हाँ। मुबारक हो, इश्क तो खुश नसीब लोगों को होता है। जल्दी बता कौन है वो? वो बादशाह की दुख्तरे नेक अख्तर है। वो इस सल्तनत की शहजादी है और नाम है गुलफशा। गुलफशा यानी फूल बिखेरने वाली, फूलों की तरह महकने वाली, फूलों की पत्तियों की तरह नाजुक और हसीन। हाँ बिल्कुल ऐसी है गुलफशा, लेकिन वो आसमान है, मैं जमीन हूं। और दोस्त, जमीन और आसमान कभी नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? ता हद्दे नजर दूर तक, जहां तक नजर जाती है, जहां नजर खत्म हो जाती है। गौर से देखो, आखिर में आसमान जमीन से मिल जाता है। ऊंच नीच का फर्क दोनों में नजर नहीं आता, लेकिन हमारा मिलना नामुमकिन नजर आता है। क्या बताऊं, मैं तो पहली नजर में उसके तीर नजर का शिकार हुआ, आशिक हुआ, दीवाना हुआ, उसके शम्माए हुस्न पर फिदा मिसले परवाना हुआ। वो आंखों से मेरे दिल में उतरी ऐसे कि बयान नहीं कर सकता। बयान कर, जल्दी बयान कर। वो आंखों से तेरे दिल में कैसे उतरी? तो फिर सुन आए मेरे हमदर्द। एक दिन वो परी मिसाल पैकरे जमाल गुलफशां शाही सवारी में सवार अपनी दो सहेलियों के साथ, रजिया सुल्ताना और निगहत सुल्ताना के साथ, शाही हमाम की तरफ गुस्ले आफताबी के लिए जा रही थी। खबरदार, शहजादी गुलफशां की सवारी आ रही है। हट जाओ, सामने आओ। क्यों रहे हो? अरे सुना नहीं, शहजादी गुलफशां की सवारी आ रही है। अरे तुम अपनी जान चाह रही है तो भाग जाओ। अगर कोई शहजादी को देखना चाहे तो उसकी गर्दन काट दी जाती है। शहजादी को देखने का इरादा है, बहुत दिनों से मेरे दिल में ये तमन्ना थी। अरे चल अलादीन, पछताएगा, मारा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, आज तो मैं हसरत पूरी करके ही जाऊंगा।
पर्दा उठा, ऐ हवा उसका चेहरा दिखा, मुझे दीदार करा, ऐ हवा तुझे खुदा का वास्ता, दिल की आरजू पूरी कर दे, मेरी आंखों में उसके जलवे भर दे, ऐ हवा पर्दा उठा। शहजादी गुलफ़शां, मेरा दिल लेकर जाती हो कहाँ? शहजादी, सूरत है माशाल्लाह, क्या हुस्न है। वापिस निगहबान सिपाहियों, इंशाल्लाह फिर दीदार होंगे। गिरफ्तार कर ले इस गुस्ताख को, इसने हमारी सूरत देख ली है। एक बार देखी है तेरी सूरत, बार बार देखने की तमन्ना है तेरी सूरत, फिर ये सूरत न दिखाई तो ये सूरत होगी, दुनिया देखेगी तमाशा तेरे दीवाने का। गिरफ्तार कर लो इस दीवाने को। शुक्रिया शहजादी हुस्न, शुक्रिया। खुशनसीबी या बदनसीबी देखो कि सिपाहियों से बचता बचाता आखिरकार मैं जिस इमारत में पहुंचा वो शहजादी का शाही हम्माम था। फिर
शहजादी वहीं पहुंच गई। उसने आते ही मुझे फौरन गिरफ्तार करके मार डालने का हुक्म दिया। उसकी दोनों सहेलियां मेरी तरफदारी करती रहीं, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी। वल्ला, वो गुस्से में भी बहुत हसीन लग रही थी। जाओ दरियाफ्त करो और हमें आगाह करो कि उस बदतमीज गुस्ताख मुजरिम को गिरफ्तार किया है या नहीं। जीनत सुल्ताना जी। निखत सुल्ताना, ताज्जुब है तुम दोनों बहनें हंस रही हो हम पर। हंसी आपके गुस्से पर आ रही है। और उस नौजवान की हिम्मत की तारीफ करूंगी कि उसने आपका दीदार किया और चला गया। अब तो वो चला गया, फिर आप क्यों बेचैन हैं? अब तो हमें तभी चैन आएगा जब कोड़ों से उस गुस्ताख की खाल उतारी जाएगी और फिर उसका सर काट कर हमारे हुजूर में पेश किया जाएगा। अपने फैसले पर दोबारा गौर करो गुलाबशाह। मौत की सजा बहुत ज्यादा है। नहीं निखत, काश मौत से भी बढ़कर और कोई सजा होती तो हम उस गुस्ताख को देते। जीनत, निखत जरा बाहर जाकर देखो, ये हमारी मुहाफिज निगहबान और कनीजी कहां जाकर मर गई हैं? वापस आकर किसी ने हमें खबर तक नहीं दी कि वो गुस्ताख गुनहगार गिरफ्तार हुआ है या नहीं। हम दोनों अभी जाती हैं और आपके उस गुस्ताख की खबर लाती हैं। चलो निकहत, चल। जाली के पीछे छुपकर सब कुछ देखता रहा। सब कुछ? हाँ सब कुछ। वल्लाह, वो शाही हौज में जब उतरी तो क्या कयामत दिख रही थी। मैं तो सिर्फ उसे देखता ही रह गया। मैं तो जैसे पत्थर का मुजस्सिमा बन गया था। अचानक उसे सर्दी लगी तो उसने पुकारा, अरे कोई है, हमें सर्दी महसूस हो रही है, पश्मीना लाओ। जब कोई ना आया तो मैं रह ना सका, एक ऊनी चादर लेकर खुद ही हाजिर हो गया। उसने चिल्लाना चाहा, मगर मैंने वही मौका देखकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। उस वक्त मैं जैसे इश्क में दीवाना हो गया था। लीजिए मेरे हुजूर। चीखो नहीं खुदा के लिए, यकीन करो तुम्हारी सवारी में मुझसे जरूर गुस्ताखी हुई। अपने दिल के हाथों मजबूर था मैं, लेकिन अभी तो मैं छुपता भागता जा रहा था कि किस्मत ने फिर तुम्हारे पास पहुंचा दिया। मेरी बात तो सुन लो शहजादी, फिर जो जी चाहे सजा दे देना। बरसों से मेरे दिल में बस एक ही तमन्ना थी कि तुम्हें देखूं, खूब देखूं और करीब से देखूं। आप मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती थी ना शहजादी? जो आपके इश्क में गिरफ्तार हो उसे गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं। जाओ, मैं खुद अपने आप को आपके इंसाफ के हवाले करता हूँ। बदतमीज गुस्ताख, तुम हमारा इंसाफ देखना चाहते हो? सिपाहियों, मुहाफिज, जालिमों ने गिरफ्तार कर लिया और शहजादी के हुजूर में पेश किया तो वो आग बगुला होकर बोली, गुस्ताख तुम अपने अंजाम से भी बेखबर थे? प्यार करने वाले अंजाम की परवाह नहीं करते शहजादी गुलफशां। मगर तुम अपनी औकात और हमारी हैसियत तो देखते,
कि तुम क्या हो और हम क्या हैं। तुम आसमान हो, मैं जमीन हूं। और फिर भी उसे छूना चाहते हो? इसी को तो प्यार का हौसला कहते हैं शहजादी। मोहब्बत के चिराग हमेशा आंधी और तूफानों में ही जला करते हैं और मौत के साए में उसकी रोशनी मंजिल पे पहुंचाती है। इस गुस्ताख दीवाने आशिक के जिस्म को कोड़ों के जख्मों से सजाया जाए और फिर इसे मौत का ताज पहनाकर सर काट लिया जाए और हमारे कदमों में पेश किया जाए। कत्ताला शमशीर जहां हुक्म की तामील हो। जी हुजूर। और कोड़े लगाओ और जोर से कोड़े लगाओ कि हर कोड़े के साथ इसकी खाल लिपट कर आ जाए। इस नौजवान का यही कसूर है ना कि उसने आपके हुस्न की तारीफ की थी। ये मुझसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है। मोहब्बत करने का हक हर इंसान को है। कोई भी किसी को भी चाह सकता है। तुम किसी के दिल पर उसकी पसंद पर पाबंदी नहीं लगा सकती, उसकी रूह को जंजीरें नहीं पहना सकती। मगर मैं तो इससे मोहब्बत नहीं करती। ना करो, बिल्कुल ना करो, लेकिन उसे सजा भी तो ना दो। मगर ये गुस्ताख, बदतमीज, बदतहजीब जनाना हमाम में आ गया था। यकीनन ये उसका जुर्म है, गुस्ताखी है, ना काबिले माफी गुनाह है। और इस गुनाह के लिए उसे कोड़ों की सजा देना ही काफी था, कत्ल करना वाजिब नहीं। कत्ताला शमशीर जहां, अब हम ये मंजर देखना पसंद करेंगे कि इस गुनहगार का सर किस तरह इसके तन से जुदा होता है। जी हुजूर। किसी मोहब्बत भरी अलविदाई नजरों से देख रहा है। हश्र के दिन अल्लाह के सामने हम दोनों बहनें गवाही देंगी कि गुलफशा ने एक बेगुनाह को कत्ल किया था और अल्लाह तुम्हें जन्नत की बजाय जहन्नुम देगा। रुक जाओ कत्ताला, रुक जाओ। हमने अपने मुजरिम का जुर्म माफ कर दिया है, इसका सर ना काटा जाए। ये जुल्म ना कीजिए शहजादी गुलफशा, इस सर को कटने दीजिए। ताज्जुब है नौजवान, हम तुम्हें जिंदगी दे रहे हैं और तुम खुद मौत तलब कर रहे हो। इसलिए कि मैं जिंदा रहकर तो आपको पा नहीं सकता, बेहतर है कि मैं मर जाऊं और शहीद मोहब्बत के रुतबे से सरफराज हूँ। नौजवान ये तुम क्या कह रहे हो? जब आप मेरा सर कलम नहीं कर सकती तो मैं खुद अपना सर काट लूंगा। इस तरह इश्क के हाथों हुस्न को नजराना दिया जाता है। ये बारगाह मोहब्बत है, कोई खानकाह नहीं। यहाँ फूल नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। नहीं, नहीं, नहीं।
फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मैं अपनी औकात समझ गया कि मैं जमीन पे पड़ा हुआ एक बेकार सा पत्थर हूं और शहजादी दौलत व इज्जत के आसमान का चमकता हुआ सितारा है और वो मेरी किस्मत का सितारा नहीं बन सकती। मैं उस शहजादी को ख्वाबों में तो देख सकता हूं लेकिन पा नहीं सकता। क्यों नहीं पा सकता? जरूर पाएगा, मिलेगी तुझे। ये सच है दोस्त, ये दुनिया दिखावे की है। ये दुनिया दौलत, इज्जत, लिबास, सवारी, शान और मकाम देखती है। इंसान का दिल ईमान नहीं देखती। लेकिन दोस्त, तू अपना दिल छोटा न कर। तूने मुझे अपना दोस्त कहा है, अब मेरी दोस्ती भी देख। तेरे लिए ये दोस्त क्या कर सकता है? मैं तेरी औकात ही बदल दूंगा। तेरी शान उसकी शान से बड़ी होगी। नहीं मेरे दोस्त, जो कुछ अभी मैं हूं वही सब कुछ बहुत है मेरे लिए। मुझे और शान शौकत नहीं चाहिए। तुझे नहीं, मुझे चाहिए तेरी शान, ताकि तेरी मोहब्बत को कामयाब कर सकूं। मेरे दोस्त, पहले मैं तेरे लिए गुलिस्तान नाम का एक शहर बसाऊंगा। उसमें तेरे लिए एक आलीशान शीश महल बनाऊंगा। हीरे मोतियों की गार में जादुई चिराग के साथ दफन, ऐ नाफरमान नादान अलादीन, अब तक तेरी लाश को कीड़े भी खा गए होंगे। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ तू इसी गार में मर गया। अगर तू चिराग दे देता तो भी मैं तुझे मार डालता। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस जादुई चिराग का राज इस दुनिया में मेरे सिवाय किसी और को भी मालूम हो। आज मैं इसीलिए आया हूं कि वो चिराग तेरी लाश की हड्डियों के पास पड़ा हुआ होगा। सितारा शनास नजूमी परी जेबा सीमी शाहीन ने बताया था। उस चिन्ह का नाम है कयामत चिन्ह, और सितारे ये बताते हैं कि उस चिन्ह के ताकतवर चिराग को सिर्फ अलादीन ही हाथ लगा सकता है। अगर अलाउद्दीन अपने हाथों से वो चिराग उठा लाए और मैं उससे वो चिराग ले लूं, तो क्या उस चिराग का जिन कयामत मेरे कब्जे में रहेगा? हाँ रहेगा। अरे तू ही क्या, फिर जिसके हाथ में भी वो चिराग होगा जिन उसके कब्जे में होगा। अगर अलाउद्दीन अपने हाथों से वो चिराग उठा लाए और मैं उससे वो चिराग ले लूं, तो क्या उस चिराग का जिन कयामत मेरे कब्जे में रहेगा? हाँ रहेगा। अरे तू ही क्या, फिर जिसके हाथ में भी वो चिराग होगा जिन उसके कब्जे में होगा। पत्थर का बन जाएगा।
मेरी मेहनत, कोशिश, जादूगरी और इतने लंबे सफर का ये अंजाम। मैं कितनी उम्मीदें साथ लेकर आया था और आज आज खाली हाथ वापस अफ्रीका जाऊंगा। देख मेरे दोस्त, नीचे रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, रेत ही रेत है। अब यहां मैं तेरे लिए
हुजूर, दस्तरखान पर खुदा की नेमतें आपका इंतजार कर रही हैं। आइए अम्मा जान, तशरीफ लाइए। क्यों मेरे दोस्त, अब तो तेरी औकात बदल गई। शहर गुलिस्तान और शीश महल पसंद आया? बहुत पसंद आया मेरे दोस्त, सभी कुछ है। तूने दोस्ती का हक अदा कर दिया मेरे दोस्त। दोस्ती का हक तो अब अदा करूंगा, दो बिछड़े हुए दिलों को मिलाऊंगा। याद रख मेरे दोस्त, दौलत, इज्जत और शोहरत और औरत जब किसी बुरे इंसान के हाथ में फंस जाती है बहुत दुखी हो जाती है। जब किसी नेक, शरीफ, खुदा से डरने वाले, ईमानदार, मेहनती इंसान के घर जाती है तो बहुत खुश होती है। ये दौलत, इज्जत और शान तुझसे बहुत खुश है। सिर्फ औरत की कमी है, वो भी पूरी हो जाएगी। वो कैसे मेरे दोस्त? वो ऐसे, मैं तेरी मुलाकात शहजादी गुलफशा से कराऊंगा। हाँ मेरे दोस्त अलादीन। शहजादी ने मुझसे कहा था कि मुझसे मिलने की कोशिश कभी ना करना। पता नहीं अब वो मुझसे मिलकर खुश होगी या मुझे देखते ही उसे एकदम गुस्सा आ जाएगा। उस गुस्से में भी प्यार होगा मेरे दोस्त, तुम घबराओ नहीं, तुम मिलो उससे। हाँ। पता नहीं वो मुझे याद भी करती होगी या नहीं। जरूर याद करती होगी, जरूर याद करती होगी। मोहब्बत है, कोई खानकाह नहीं।